इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि अपने नोटिफिकेशन बार को आप यहां पर एडिट कैसे कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हर कोई यूज़ करता है लेकिन इस सेटिंग को इग्नोर करता है। सो आप यहां पर देखिए एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी नोटिफिकेशन में आइकन आपको देखने को मिलते हैं जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, काम के लिए नहीं है फिर भी है, और जो काम के यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो हाइड है, वो छिपे हुए हैं, उन्हें यहाँ पर कैसे लाना है। देखिए एक एडिट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सो आपके सामने देखिए इस तरीके ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपके ऊपर जो स्लाइड करेंगे जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, और जो देखिए नीचे हाइड नोटिफिकेशन है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सो यहां पर एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना हो, देखिए आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। देखिए वाईफाई, मोबाइल और साइलेंट, और ब्लूटूथ और फ्लैश लाइट, और रियलमी शेयर, और एरोप्लेन, और लोकेशन, और ऑटो रोटेट, या पर्सनल हॉटस्पॉट, और डार्क मोड, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऊपर मेन लगा रखे हैं। इसके बाद देखिए क्लॉक है, स्क्रीन शॉट है, तो यहां इसको मैं इस तरीके से क्लिक कर देता हूं क्योंकि ये मेरे लिए इतना काम का जरूरी नहीं, स्क्रीन शॉट इंपॉर्टेंट है। तो जहां से भी आप उठा सकते हैं, जैसे कैमरे वाला आइकन है, सो यहां पर आप कैमरे वाले आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और ये देखिए स्क्रीन कॉस्ट मुझे नहीं करना है, स्क्रीन कॉस्ट इसके लिए वह गूगल और OTG अगर आप यूज करते हैं। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर सेट कर सकते हैं क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग पहले से सेट कर रखा है। अब जैसे सिम का डाटा स्विच करना है, एक सिम से दूसरे सिम पर ट्रांसफर करना है, सो इस आइकन को भी यहां पर ऊपर मैं ऐड कर देता हूं। सो ये देखिए यहां पर ऐड हो चुके। अब यहां पर देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड, इसको मैं यहाँ पर नीचे ले आता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। असिस्टेंट बोल को भी मैं नीचे ले आता हूँ, कैलकुलेटर को ऊपर कर देता हूँ। और ये देखिए अपने हिसाब से यहाँ पर अकॉर्डिंग आप सभी को सेट कर सकते हो। नीचे वाले जो एप्लीकेशन है इन्हें भी प्रेस करके इस तरीके से रखकर यहाँ पर ऊपर इस तरीके से यहाँ पर ला सकते हैं, और ऊपर का कोई भी एप्लीकेशन नीचे लाना हो तो इस तरीके से प्रेस करके नीचे भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी सेटिंग को कर लेना है कि आपको कौन कौन से नोटिफिकेशन मेन लगते हैं, उन सेटिंग को यहाँ पर करने के बाद आप इसको यहाँ से बैक करेंगे और फिर नोटिफिकेशन को स्लाइड करेंगे। सो देखिए वही एप्लीकेशन आ जाएंगे जो आप यहाँ पर सेट किया होगा आपने। सो इस बात को आपको ध्यान रखना है, और इंपॉर्टेंट जो आपके मेन आइकन हो वो यहाँ पर लगाइए और बाकी फालतू को हटा दीजिए। सो यहाँ पर इस तरीके से आप डार्क मोड, वाइट और रियलमी शेयर भी एप्लीकेशन को यहाँ बहुत ही आसान तरीके से यूज कर पाएंगे। सो आई होप एक छोटी सी सेटिंग थी लेकिन आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं तो डिसलाइक कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे तरीके से वीडियो बनाने के लिए आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।